हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के फिफ्थ चैप्टर कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल इन फॉरेन ट्रेड। सो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे और कुछ इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो, हमारे क्या था, क्वालिटी थी कि हमें क्वालिटी ध्यान में रख के करनी चाहिए, क्वांटिटी, लोकल प्राइस, फ्री अलोंग शिप प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस, एक्सपोर्टिंग शिप प्राइस, इन बॉन्ड प्राइस, ड्यूटी पेड प्राइस, फ्री ऑन वेगन प्राइस, फ्री ऑन रेलवे प्राइस, फ्रैंको प्राइस। हम जब फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो इनवॉइस बन रही है वो किस पर लग रही है, हमारा कौन सा प्राइस चार्ज किया जा रहा है, हमारी गुड्स की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। ठीक है, इसका फुल डिटेल्ड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हमने हमारे सेकंड पार्ट में पढ़ा था फॉरेन ऑर्डर्स एंड इंडेंट्स एंड मेन आइटम्स और कंटेंट्स ऑफ एन इंडेंट्स। फॉरेन ऑर्डर्स क्या होते हैं, जब एक इम्पोर्टर डायरेक्टली किसी अदर कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर्स या जिनसे गुड्स लेना है, प्रोड्यूस जो कर रहे हैं गुड्स को, जिनसे उन्हें गुड्स लेना है, डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करता है तो वो क्या होता है हमारा, फॉरेन ऑर्डर्स। इंडेंट क्या होता है, जब किसी इम्पोर्टर को गुड्स परचेज करने के लिए किसी एक्सपोर्ट एजेंट को किसी अदर कंट्रीज में किसी एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है तो वो क्या हो जाता है हमारा, इंडेंट। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन इंडेंट और एक होता है क्लोज इंडेंट। अब इसके कंटेंट्स के बारे में हम जानते हैं। हमारे क्या कंटेंट्स थे, क्वालिटी ऑफ गुड्स इसमें रहता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, मेकअप, पैकिंग, मार्किंग, नेम ऑफ द शिप एंड टाइम, मरीन इंश्योरेंस, पेमेंट, आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये सभी पॉइंट्स हमारे इंडेंट्स में आते हैं। ओके, हमने हमारे थर्ड पार्ट में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या, जब हमें गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कराना रहता है, भेजना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम शिप के थ्रू अपने गुड्स को सेंड करते हैं। एक इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे शिपिंग कंपनी के साथ वो क्या होता है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है चार्टर पार्टी और एक होता है बिल ऑफ लेडिंग। चार्टर पार्टी में क्या होता है, चार्टर पार्टी में हम एक पूरी शिप हायर करते हैं या एक पूरी शिप का एक पूरा पार्ट हायर करते हैं कि इस पूरी शिप में सिर्फ हमारे ही गुड्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे, हमारे ही गुड्स सेंड किए जाएंगे, या सिर्फ इस पार्ट में हमारे ही गुड्स रखे जाएंगे, कोई अदर गुड्स नहीं आने चाहिए। ओके, और बिल ऑफ लेडिंग में क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे गुड्स की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है कि हम अपनी पूरी शिप हायर कर लें या कोई एक बड़ा सा पार्ट शिप का हायर कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि इसको भी आप अपने शिप में एक्सपोर्ट करा दीजिए बाकी एक्सपोर्टर्स के साथ, क्यों, एक शिप में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अपने गुड्स रखवाते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हमारे भी गुड्स सेंड आउट हो जाएंगे। सो ये होता है हमारा बिल ऑफ लेडिंग। हमने हमारे फोर्थ पार्ट में पढ़ा था मेथड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड कि फॉरेन ट्रेड में पेमेंट्स के क्या मेथड्स हैं। पहला, डॉक्यूमेंट्री बिल्स। इस बिल में हम इनवॉइस का जो पेमेंट होता है वो तो करते ही हैं, साथ में अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं, लाइक हमारी बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी, बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपी या जो भी अदर कॉपीज लगती हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारी कॉपीज और पेमेंट साथ में रहते हैं, साथ में दे देते हैं एक्सपोर्टर को। सो ये क्या हो जाता है हमारा, डॉक्यूमेंट्री बिल। ये दो टाइप्स के होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बिल ऑन बैंक, जब एक्सपोर्टर डायरेक्टली बिल किसको दे देता है,
बैंक को, इम्पोर्टर के बैंक को बिल देता है, इम्पोर्टर को ना देकर इम्पोर्टर के बैंक को बिल देता है, तो वो क्या होता है, बिल ऑन बैंक। नेक्स्ट हमारा आता है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टर के पास बिल आता है, इसमें एक्सपोर्टर डायरेक्टली किसको बिल देता है, इम्पोर्टर को, और इम्पोर्टर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो इनवॉइस का कैश अमाउंट बचता है वो ले जाकर अपने बैंक को देता है और वो बैंक उस एक्सपोर्टर को ट्रांसफर कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट हमारा फॉरेन कंट्री, ये बैंक ड्राफ्ट जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो यूज किया जाता है। ओके, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। टेलीग्राफिक ट्रांसफर में क्या होता है, जब तक कि आप अपने गुड्स का फुल पेमेंट नहीं कर देते तब तक के आपको आपके गुड्स रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा टेलीग्राफिक ट्रांसफर। हमने हमारे लास्ट पार्ट में पढ़ा था सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें हमारे चार पॉइंट्स थे, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, बाउंडेड वेयर हाउस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और काउंसलर इनवॉइस। लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक हमारे एक्सपोर्टर को एक डिस्काउंट बिलिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए उस एक्सपोर्टर को सबसे पहले लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन लिखकर देना पड़ता है, ठीक है, तभी उसकी बिल को डिस्काउंट किया जाएगा। सो ये होता है हमारा लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंडेड वेयर हाउस। इसमें क्या होता है, ये एक वेयर हाउस रहता है जो हर एक पोर्ट के पास में रहता है, जहाँ पर सभी इम्पोर्टेड गुड्स या जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं गुड्स, वो सारे गुड्स रखे जाते हैं, ठीक है। जब तक कि आप अपनी कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देते तब तक कि आप इस वेयर हाउस में से अपने गुड्स को अपने डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा सकते, ठीक है। आपको सबसे पहले कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, देन उसके बाद में आप अपने गुड्स को इस बाउंडेड वेयर हाउस से लेकर जा सकते हैं। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये हमारे गुड्स का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। अगर हम किसी भी कंट्री से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम उससे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगते हैं कि भाई आपने ये गुड्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किए हैं, उसका एक सर्टिफिकेट दो कि हाँ ये आप ही के कंट्री से प्रोड्यूस हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट, काउंसलर इनवॉइस। ये एक इनवॉइस रहता है जो हमारा एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है और इसकी टोटल तीन कॉपीज बनती हैं। कितनी, तीन कॉपीज बनती हैं, एक कॉपी एक्सपोर्टर के पास रहती है, बाकी दो कॉपीज एक कस्टम अथॉरिटी को दी जाती है और एक हमारी इम्पोर्टर को दे दी जाती है, ठीक है। इस इनवॉइस के थ्रू ये सर्टिफाइड रहता है कि हाँ इस इम्पोर्टर ने हमसे ये गुड्स परचेज किए थे इस क्वांटिटी में, या ये इसका इस प्राइस पे इसने हमसे गुड्स परचेज किए, तो ये रिफ्यूज नहीं कर सकते कि हाँ हमने आपसे तो कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं। ओके, सो आगे की डिस्प्यूट्स के लिए ये काउंसलर इनवॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई होप आप लोग का रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का और आप लोग को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट लग रहे तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो हमारे शॉर्ट्स में हैं। शॉर्ट में हमारा क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्यूमेंट्री बिल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चार्टर पार्टी, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग। और लॉन्ग में हमारा एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो रेयरली पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंट, What are its contents? What are the difference between foreign orders and indent? तो ये था हमारे इस चैप्टर का एक रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही हम लोग की लाइव क्लासेस चल ही रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, सो जाइए जल्दी से और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करिए अपना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। Stay connected with us.